इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। देश का प्रबंध। इसराइलियों की गिनती अर्थात पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे, एक एक दल में 24,000 थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दीएल का पुत्र याशोबाम नियुक्त हुआ और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था और दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदय नाम एक अहोही था और उसके दल का प्रधान मिलकोत था और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था और उसके दल में 24,000 थे। यह वही बनायाह है जो 300 शूरों में से वीर और 300 में श्रेष्ठ भी था और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजादाब था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उसके बाद उसका पुत्र जबद्याह था और उसके दल में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवा सेनापति इजराही शम्मूत था और उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था, उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रेम के वंश का हेलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेरह के वंश में से हुरशाई सिब्बकै था और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवा सेनापति बिन्यामिनी अबीजेर अनातोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। दसवें महीने के लिए दसवां सेनापति जेरही महरे नतोपवासी था और उसके दल में 24,000 थे। ग्यारहवें महीने के लिए ग्यारहवा सेनापति एप्रेम के वंश का बनायाह पिरातोनवासी था और उसके दल में 24,000 थे। बारहवें महीने के लिए बारहवा सेनापति ओतनीएल के वंश का हेल्दे नपोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। फिर इसराइली गोत्रों के ये अधिकारी थे अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों से माका का पुत्र शपत्याह, लेवी से कमुएल का पुत्र हशब्याह, हारून की संतान का सादोक, यहूदा का एलिहू नाम दाऊद का एक भाई, इस्साकार से मिकाएल का पुत्र ओमनी, जुबलून से ओबद्याह का पुत्र इश्मायाह, नप्ताली से अज़रील का पुत्र यरीमोत, एप्रेम से अजज्याह का पुत्र होशे, मनशे से आधे गोत्र का फदायाह का पुत्र योएल, गिलाद में आधे गोत्र मनशे से जकरियाह का पुत्र इद्दो, बिन्यामिन से अबनेर का पुत्र यासीएल और दान से यरोहाम का पुत्र अज़रेल ठहरा। यही इस्राएल के गोत्रों के हाकिम थे, परंतु दाऊद ने उनकी गिनती 20 वर्ष की अवस्था के नीचे न की, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा पर निपटा न सका, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस्राएल पर भड़का और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई। फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत राजभंडारों का अधिकारी था और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उजियाह का पुत्र यहोनातान था और जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एजरी था और दाख की बारियों का अधिकारी रामाई शिमी और दाख की बारियों की उपज जो दाखमधु के भंडारों में रखने के लिए थी उनका अधिकारी शापामी जब्दी था और नीचे के देश के जलपाई और गुलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बाल्हानान था और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था और शारोन में चरने वाले गाय बैलों का अधिकारी शारोनी शित्रे का था और तराइयों के गाय बैलों का अधिकारी अदलय का पुत्र शापात था और
ऊंटों का अधिकारी इश्माएली ओबिल और गधियों का अधिकारी मेरोतोनवासी एहदयाह और भेड़ बकरियों का अधिकारी हगरी याजीज था। यही सब राजा दाऊद के धन संपत्ति के अधिकारी थे और दाऊद का भतीजा योनातन एक समझदार मंत्री और शास्त्री था और किसी हम्मोनी का पुत्र एहीएल राजपुत्रों के संग रहा करता था और अहितोपेल राजा का मंत्री था और एरी की हुशे राजा का मित्र था और अहितोपेल के बाद बनायाह का पुत्र यहोयादा और एव्यातार मंत्री ठहराए गए और राजा का प्रधान सेनापति योआब था।